मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में जनता का आक्रोश भी देखने को मिलने लगा है। मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा में भी बीजेपी पदाधिकारियों को मतदाताओं की खरी खोटी सुननी पड़ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी विधानसभा के ऐसे दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक में ये देखने को मिल रहा है कि सरपंच बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष रघुनाथ सिंह भाटी को यहाँ से जाने को कह रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान के सामने ही जय कमलनाथ के नारे लगा दिए गए। ये वो सीटें हैं मध्य प्रदेश की जहां से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ते हैं। ये दोनों तस्वीरें साफ दर्शाती हैं कि कैसे एमपी में मौजूदा सरकार के खिलाफ जनता के बीच आक्रोश है। बता दें कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ऐसे दो वीडियो सामने आए। ये वीडियो सोशल मीडिया पे अब जम के वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में बुधनी विधानसभा के एक गांव में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष रघुनाथ सिंह भाटी बीजेपी के प्रचार के लिए कुछ लोगों को बिठाकर एक छोटा सा जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी एक नाराज व्यक्ति वहां कर आके कहता है कि सभा को खत्म करो, नेताओं को वापस जाने की बात कहने लगता है। नाराज व्यक्ति कहता है कि पंचायत का सरपंच हूं मैं, मेरे बगैर पूछे तुम यहां पे कैसे आ गए, यहां आकर झूठे आश्वासन मत दो। मेरे गांव के लोग इकट्ठे क्यों नहीं हुआ पहले तो ये बात बता। आप इधर आओ। ये तो ऐलान बोली कर हुए ना ये तो भाई आपने भाटी जी मोहन जी ये हम इस साल से सेवा करना हुआ ना इधर आओ। इधर आओ। इधर फिर आपस में वहाँ पे झूमा झटकी भी देखने को मिलती है। वहीं दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कैसे जय कमलनाथ के नारे लग रहे हैं। दरअसल कार्तिकेय सिंह चौहान अपने काफिले के साथ बुधनी विधानसभा के एक गाँव में रुकने वाले थे, तभी वहाँ कार्तिकेय का विरोध शुरू हो गया। और बताया जाता है कि जय कमलनाथ के नारे लगने लगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के बेटे ने सोचा कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा और वहाँ से चले गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए